गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हमने रिवीजन पार्ट टू देखा था, आज हम पार्ट थ्री पढ़ेंगे। पेज नंबर 11, तेजलनू घर। तो तेजलना घर पासे नो लिमड़ो जाड़ो छे। तेजल के घर के बारे में हमारे को यहाँ पर बताना है, बराबर है। तेजलना घर पासे नो लिमड़ो जाड़ो छे। पछी तेजलना घर पासे दादा बैठा छे, दादाजी बैठे हुए हैं। तेजलना घर पास ना लिमड़ा पर पोपट बैठा हुआ है। तेजल के घर के पास में जो नीम का जो पेड़ है उसके ऊपर पोपट बैठा हुआ है। तेजलना घर ने बे बारियो छे। तेजल के घर में दो खिड़कियां हैं। अभी विवेक का, तो विवेक ना घर पास लिमड़ो पातड़ो छे। विवेक ना घर पास दादी बैठा छे। विवेकना घरना लीमड़ा पर कोई पण पक्षी बैठू नथी, मतलब एक भी बर्ड्स बैठा हुआ नहीं है। विवेकना घर ने एक ज बारी छे, मतलब एक ही खिड़की है। तो ये दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। तेजल के घर में, तो तेजल का घर पास लीमड़ो जाड़ो छे, मतलब नीम का जो पेड़ है वो मोटा है। विवेकना घर पास लीमड़ो पातड़ो छे, मतलब उसके घर के पास में जो पेड़ है नीम का वो पतला है। तेजलना घर पास दादा बैठा छे। तेजल के जो घर है उसके बाजू में दादाजी बैठे हुए हैं। विवेक ना घर पास दादी बैठा है। विवेक के घर के पास में दादी जी बैठे हुए हैं। तेजल ना घर ना पास लिमड़ा पर पोपट बैठे हुए। तेजल के घर के पास जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर पोपट बैठा है। और विवेक ना घर ना लिमड़ा पर कोई पण पक्षी बैठे हुए, मतलब एक भी बर्ड्स बैठा हुआ नहीं है। तेजल ना घर ने बे बारियों से, उसको दो विंडो है, खिड़कियाँ हैं। विवेक ना घर में एक ज बारी है और विवेक के घर में एक ही खिड़की है। तो ये दोनों के घर का डिफरेंस हो गया। अभी तुम्हारा घर विषय शू शू गमे ने क्या क्या फेर फार करवा जेवा छे, तुम्हारा दोस्तों साथ बातचीत करो। ओके, तमे तमारो नवो घर बनाओ तो केव होय ते लखो, कैसा होना चाहिए आपका घर वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या होय मतलब कौन सी जगह पर होगा, केवड़ू होय मतलब कितना बड़ा होगा, केवी व्यवस्था हो मतलब अंदर कैसी फैसिलिटी होगी, केवा रंगनू हो मतलब कौन से कलर का होगा, शू नाम रखो और आप उस घर का क्या नाम रखोगे वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या हो मतलब कौन सी जगह पर आप घर बनाना चाहते हो, केवड़ू हो मतलब कितना बड़ा हो, केवी व्यवस्था हो मतलब उसमें कैसी फैसिलिटी हो, उसके बारे में लिखना है। बराबर कि उसमें टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी है, बराबर केवा रंगनू हो, कि लाल रंगनू, पीड़ा रंगनू, कि केवा रंगनू हो, ते तमारे लखवानू छे। नहीं घरनू शू नाम तमे राखू शको ते पण अहींया तमारे लखवानू छे। ओके, तो नेक्स्ट पेज, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, रीडिंग क्रिकेट। तो विद्यार्थिनी बे टीम बना, मतलब दो टीम बनाने की है अलग अलग। वर्गनी संख्या वधारे हो तो 10-10 नी 3-4 टीम बनावी शकाय। अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो 10-10 की 3-4 टीम भी बना सकते हैं। एक विद्यार्थी समक्ष आवी नीचे माथी एक वाक्य में मोटे थी वाँच से, मतलब जोर से वो सबके सामने आके बोलेगा। ते वक्त थी वाँचवा में कोई भूल करे तो बीजी टीम ना विद्यार्थियों आउट एम अपील कर से, मतलब वो पढ़ने के टाइम पे अगर वो भूल करता है तो दूसरी टीम का जो स्टूडेंट है वो आउट है ऐसा बोल सकता है उसको। शिक्षक तरीके तुम्हें अंपायर की भूमिका में रहो, मतलब कि टीचर के तौर पर आपके क्लास में जो टीचर है वो अंपायर के तौर पे आपके सामने खड़े रहेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे।